हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वी आर इंजीनियर्स पे। एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन 22/10/2019 को नोटिफाई कर दिया गया है और इसके एग्जामिनेशन फॉर्म को भरने की तारीख जो है डेट अनाउंस की गई है 22/10/2019 से 25/11/2019 तक, और रिसीप्ट ऑफ अप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं 25/11/2019 तक। पेमेंट चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या फिर ऑफलाइन चालान के माध्यम से, दोनों की डेट जो है 27/11/2019 तक रखी गई है। लास्ट डेट पेमेंट के ड्यूरिंग बैंक आवर्स 29/11/2019 तक है। डेट ऑफ टायर वन एग्जाम सीबीटी वन का आप देख पा रहे हैं 2/3/2020 से 11/3/2020 तक चलेगा, जबकि टायर टू का एग्ज़ाम 22/6/2020 से 25/6/2020 तक चलेगा। और इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल के रिक्रूटमेंट होता है, भर्ती होती है, जो कि मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है और नॉन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट होता है। जो पहली वैकेंसी 2.1 पे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, तो पहले जो वैकेंसी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे वो है पे लेवल 8 की, जो कि 47,600 से 151,100 रुपये तक होगी। और इसके लिए जो पहली पोस्ट इस पे लेवल के अंदर आई, पे लेवल 8 के अंदर आई हुई है, उसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटेंट डिपार्टमेंट के अंदर ग्रुप बी गेस्टेड है और नॉन मिनिस्ट्रियल है। और एज लिमिट इसके लिए नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स रखी गई है। और फिर इसके अंदर नेक्स्ट जो है असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर पर लिखी गई है, जो कि ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट CNG कम्यूटेड ऑडिट जनरल के अंदर है, जो कि ग्रुप बी है, गेस्टेड है नॉन मिनिस्ट्रियल के अंदर, और इसकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स रखी गई है। और जो दूसरी वैकेंसी आई हुई है यहाँ पे लेवल 7 के अंतर्गत, जिसके 44,900 से 1,42,400 रुपये से इसकी सैलरी स्टार्टिंग होती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। पोस्ट 3 से लेकर पोस्ट 18 सीरियल नंबर तक आप देख पा रहे होंगे, ये पे लेवल 7 के अंतर्गत है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे सीधे बता दिया गया है ऊपर नोटिफिकेशन के, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे जिक्र है मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफिस कैडर के अंतर्गत आई हुई एग्ज़ाम, और इसके लिए भी 20 to 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट को फिक्स किया गया है। उसके बाद पे लेवल 6 पे के अंदर जो रिक्रूटमेंट है, उसमें पेमेंट रखी गई है 35,400 से 1,12,400 तक। इसमें असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सीरियल नंबर 19 से आप देख पा रहे होंगे, सीरियल नंबर 19 से 24 तक इसमें रखा गया है। ये भी मिनिस्ट्रियल और नॉन मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत है, जो कि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे। उसके बाद पे लेवल 5 के अंतर्गत है, जिसकी पेमेंट 29,200 से 92,300 के अंतर्गत है। इसमें भी मिनिस्ट्रियल एंड नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर के अंदर ऑफिसर्स CAG के डिपार्टमेंट, CGDA और अदर डिपार्टमेंट हैं। अगली रिक्रूटमेंट है पे लेवल 4 के अंतर्गत, जिसमें 25,500 से 81,400 तक हैं। तो फ्रेंड्स यही है, और ये नीचे डिसेबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, और इसके आइए अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स भी इसमें दिया गया है। अब हम लोग आइए देख लेते हैं कि इसकी जो है नंबर 8 पे दिया गया है, और SC ST की रिलैक्सेशन 5 साल की है, OBC के लिए 3 साल है, PWD और अनरिजर्व के लिए 10 ईयर्स रखी गई है। OBC के लिए और SC ST के लिए 13 और 15 ईयर्स कंसेक्यूटिव रखी गई हैं।
अगर हम इसके एग्ज़ाम स्कीम की बात करें, रिकर्सिव एग्जामिनेशन होगा, टायर टू कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, टायर थ्री डिस्क्रिप्टिव लिखित परीक्षा होगी जो पेन एंड पेपर के मीडियम से होगा, और टाइप फोर में आपकी कंप्यूटर प्रोफिशिएंट टेस्ट देखा जाएगा, टाइपिंग वगैरह का जो भी है, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट लिया जाएगा कि आपका कैसा है। तो फ्रेंड्स यही है, और बाकी सारी डिटेल पीडीएफ की लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की, जाके चेक कर सकते हैं। और टायर वन टायर टू के आप एग्जामिनेशन के बारे में देख लीजिए कैसे क्या है। जनरल एंड आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन है आपके, 25 क्वेश्चन है और 50 मार्क्स का है। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर के। इंग्लिश एंड कम्प्रिहेंसन भी 25 क्वेश्चन है, 50 नंबर्स के। 60 मिनट्स का पूरा पेपर है। पैरा 7.12 के लिए पढ़ने के लिए कहा गया है 1.2, और सेकंड पेपर पेपर टायर टू के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसमें पेपर वन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है। इसमें क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के लिए आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क के। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसन रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क के। पेपर थर्ड स्टैटिक्स रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन, 200 मार्क के। पेपर फोर आपका जनरल स्टडीज का, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क के। 120 मिनट इसमें भी आपको मिलेगा। उसके बाद हम बात करें अगर टायर थर्ड थ्री की, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लेटर ऐसे और अप्लीकेशंस आपको इसमें लिखवाया जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर है, 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। टाइप फोर में आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो कि इन समय क्वालिफाइड के बाद ही आपको बैठने मिलेगा। पेज नंबर 19 में इसका डिस्क्रिप्टिव डिटेल में सिलेबस दिया गया है, तो आप जाकर चेक कीजिए, पीडीएफ मैंने लिंक में प्रोवाइड कर दिया है। बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अधिक जानकारी के लिए। जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो टाइप कमेंट सेक्शन में टाइप करें, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके हर एक टॉपिक पे वीडियो बना के देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।